मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हुआ क्या है? माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई मैंने छोड़ दिया। एक दिन घर नहीं गई, दूसरे दिन मैं गई, बाबा ने नहीं रखा, बाबा ने निकाल दिया। घर बार कहाँ सोती हो, कहाँ रहती हो? काका साहब तो यहाँ पर लड़के नहीं तंग करते। एक दिन भाई रही थी, दूसरे दिन तो मैं घर चली गई थी। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं। फिर मैं चली गई तो उनका क्या काम था रात को निकाल दिया। तो फिर यहाँ पर तो आप एक अकेली खातून बैठी है, कहीं आपको कोई हरासा ना कर ले फिर? अल्लाह ऊपर बैठा पर जाने वाला। नाज़रीन, यहाँ से मैं रेंडमली दाता दरबार से गुजर रहा था तो एक लड़की जारों की तार रो रही थी, तो मैंने इससे पूछा कि क्या मामला, मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ? तो इस लड़की का कहना है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे घर से निकाल दिया है। आइए इस लड़की से जानते हैं कि इसके वालिद ने घर से क्यों निकाला और रो रो कर इसकी आँखें जो हैं उसके ऊपर स्वेलिंग हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या नाम है? मसूमा है? मसूमा। कहाँ से आई आप? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। कितने दिन हो गए यहाँ पे? काफ़ी अरसा हो गया। काफ़ी अरसा, तो रो क्यों रही हैं आप? मैं कहाँ जाऊँगी अकेली? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हुआ क्या है? माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई मैंने छोड़ दिया। कब छोड़ गए? अब मैं अकेली किधर जाऊँगी? अच्छा, वालिद क्या करते थे पहले, क्या करती थी? वालिद साहब गुज्जर, मेरे दूध बेचते हम लोग। अच्छा, गुजरों की बेटी हो? अच्छा, फैसलाबाद के गुजर। अच्छा, तो यहाँ पर फिर कैसे दर बदर की ठोकरें खा रही हो और रोई जा रही हो, आंसू अभी भी आ रहे हैं? जब घर बार छूटते तो आंसू खुद ही आते हैं ऐसे। मामला क्या हुआ है? एक दिन घर नहीं गई, दूसरे दिन मैं गई, बाबा ने नहीं रखा। बाबा ने निकाल दिया। तो घर आप नहीं गई थी, किसके साथ गई थी? अकेली गई थी। नहीं, किसी लड़के के साथ गई थी आप घर? नहीं, जब बाहर निकली घर से तो लड़के के साथ बाहर गई? दोस्त था वो मेरा। आपका दोस्त था? तो कितने दिन उसके पास रही? एक दिन। एक दिन। अच्छा, तो उसने फिर बाद में छोड़ दिया? मुझे छोड़ गया था फिर है? दाता साहब छोड़ गया था। अच्छा, लड़के से मोहब्बत हुई और उसने आपको इस्तेमाल करने के बाद दाता साहब छोड़ दिया? इस्तेमाल उसने किया। हाँ, इस्तेमाल नहीं इसने मुझे किया, वैसे किसी के घर में ले के गया था, फैमिली घर में। फैमिली घर में ले गया और बाद में छोड़ दिया। अच्छा, पढ़ी लिखी हुई हो? नहीं पढ़ी, स्कूल नहीं गई हुई? अच्छा, तो अभी वालिद साहब ने कभी आपको घर नहीं बुलाया? क्यों? अभी वो गुस्से में, जब गुस्सा ठंडा होगा ना फिर। क्या कहता? अभी उनको गुस्सा ना, गुस्सा जब गुस्सा ठंडा होगा फिर। तो आपके पास और कोई सामान नहीं, चप्पल भी नहीं पहनी हुई आपके पास, सिर्फ एक वो बीपी ऑपरेटर है आई थिंक, उसे क्या करना है आपने? क्या ये? हाँ, एक लड़का इधर मुझे पकड़ा दिया, कहता मैं इधर से आता हूँ, यहाँ पे रखा हो। घर बार कहाँ सोती हो, कहाँ रहती हो? काका साहब तो यहाँ पर लड़के नहीं तंग करते? ऊपर है ना सोने की जगह। हाँ, पे। अच्छा, तो अब रो क्यों रही हो? तो रो तो मैं क्या करूँ? अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है? हाँ, लड़के के साथ नहीं जाना चाहिए था। कितने बहन भाई हो? चार बहनें एक भाई। चार बहनें एक भाई, बाकी बहनें उनकी शादी हुई हुई है? हाँ, तो और किसी रिश्तेदार ने घर ले जाने के लिए नहीं कभी कोशिश की? नहीं की। तो आपने रो रो कर अपनी आंखें भी सुजा ली, देखिए आपकी आंखों पे स्वेलिंग हुई हुई है। कोई बात है? हाँ? कोई बात। तो अभी अगर आपको कहीं किसी अदारे में कोई छोड़ दें या कहीं आप रहना चाहती हैं, कोई नशा नुशा करती? कोई कुछ भी नहीं करती, नशा भी नहीं करती। तो फिर यहाँ पर तो आप एक अकेली खातून बैठी हैं, कहीं आपको कोई हरासा ना कर ले फिर? अल्लाह ऊपर बैठा पर जाने वाला। अच्छा, मुझे आप तो ज़िंदगी में दर बदर की ठोकरें खा रही हो, उन औरतों को, उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हो जो वालदैन को छोड़ देती अपने आशिकों के पीछे, अपने लवर के पीछे, उनको क्या कहना चाहोगी? कुछ भी नहीं। हाँ, उन्हें अपने घर वालों को छोड़ना चाहिए कि नहीं? नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। क्यों? अपने लवर के साथ जाना चाहिए? जब लवर था मैं तो एक दिन घर गई थी, तो दूसरे दिन तो मैं घर चली गई थी ना। क्या? एक दिन भाई रही थी, दूसरे दिन तो मैं घर चली गई थी।
मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं। फिर मैं चली गई तो उनका क्या काम था रात को निकालने का। नाज़रीन देखें कि ये लड़की जो कि जवान लड़की फुटपाथ पे बैठी हुई है और रोई जा रही है, इस लड़की का कसूर ये है कि ये एक दिन घर से बाहर रही है और वालिद ने इस लड़की को घर से ही निकाल दिया है। और इसका यही कहना है कि लड़कियों को भी चाहिए कि वो किसी गैर महरम के पीछे अपने वालदैन को ना छोड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।